नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, यदि आपके भी घर में हो रही है पति और पत्नी में बहुत सारी बहस, बहुत कलह, अविश्वास, ताना चल रहा है और चल रहा है थोड़ी सी षड्यंत्र, कभी सास नहीं बसने दे रही है आपको और आपके पति को एक साथ, जो औरत आरती उतार कर आपको अपने घर बहू बना कर लाई थी, आज आप उन्हीं की आंखों में खटकने लगे हैं और वो माध्यम बना रही है अपने बेटे को आपको हराने के लिए, तो कहीं ननद अपने भाई के कान में डाल रही है आपके प्रति कोई बात, क्या करे, पति बस के बाहर जो हो गया है, ना आपको प्यार करता है ना आपको पसंद करता है। आपको ऐसा लगता है, एक बार मेरी बात अच्छे से सुन ले मेरा पति, फिर वो मेरी बात जरूर मान लेगा, वो मुझसे पहले की तरह प्यार करने लगेगा, हमारे बीच पहले से जैसा प्रेम सामंजस्य बनेगा, विश्वास के धागे और मजबूत होंगे। किंतु आपकी बात सुनना तो दूर की बात है, वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि पति ने पहुंचा दिया है उसके मायके अपनी पत्नी को, 4 वर्ष बीत गए 6 वर्ष बीत गए, पहले चिट्ठी आती थी, फ़ोन आते थे, कभी मिलने भी आता था, अब ना फोन कॉल आता है और ना वो आता है। क्या करें, क्या हम पति से दूर रहकर भी कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं कि पति वहीं से हो जाए हमारे वश में? तो मैं कहूँगी मेरी बहनों, हाँ, है एक छोटा सा प्रयोग, है एक छोटा सा वशीकरण जो आप अपने घर में करेंगे और सिर्फ एक दिन में इसका परिणाम देखेंगे। आज जो पति वशीकरण लेकर आई हूँ, ये आपको पीरियड्स के दिनों में करनी है, मासिक धर्म के दिनों में करनी है, और केवल स्त्री ही कर सकती है, ये पत्नी वशीकरण नहीं है, पुरुष ना करे। ये आपको पीरियड्स के 5 दिनों में से किसी एक दिन में करनी है और प्रायोरिटी दूंगी प्रथम और दूसरे दिन को, तीसरे दिन भी कर सकते हैं, उसके बाद प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। आज जो उपाय बता रही हूँ, सबसे पहले इसमें रोना धोना बिल्कुल नहीं है आपको, ताकि राहु एक्टिवेट ना हो जाए हमारा। जब भी आप रोती हैं अपने आंचल से, अपने आंसू को पोंछती हैं, राहु बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, हमें नहीं होने देना है ऐसे। शनि को, राहु को बिल्कुल पहले साफ रखना है, सुस्त रखना है। आपको स्नान करना है, तैयार होना है, श्रृंगार अच्छे से करना है, ताकि आपका शुक्र बहुत मजबूत रहे। आज जो उपाय बता रही हूँ, ये जो 5 दिन होते हैं स्त्रियों के, इसमें आप स्त्री नहीं, आप देवी होती हैं। आप में अलग सी अद्भुत क्षमता आ जाती है, अद्भुत ऊर्जा आ जाती है इन 5 दिनों में। इन 5 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकती हैं, यदि आप कुछ, आपको कुछ मालूम हो तो। आज पति वशीकरण की बात हो रही है तो पति वशीकरण पर ही बात करूँगी। यदि आपका लव पार्टनर भी बहुत दिनों से आपके साथ रिलेशनशिप में है और अब शादी से इनकार कर रहा है, तब भी मेरी बहनों, जो प्रेमिकाएं हैं वह भी कर सकती हैं अपने प्रेमी को अपने वश में करने के लिए। केवल और केवल एक दिन में इस वशीकरण का परिणाम आप देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ना सास भड़काती है ना ननद भड़काती है, घर भी अच्छा, ससुराल भी अच्छा, लेकिन एंट्री हो जाती है तीसरी औरत की, अर्थात सौतन की। सौतन आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, टैलेंटेड है, अमीर है, हर चीज़ में आपसे ज़्यादा मोह रही है आपके पति को, फिर क्या करें। आप भी कभी बहुत सुंदर थी, यंग थी, अब आपके बच्चे हैं, समय बीत चुका है, ना आपका शरीर वैसा रह गया है और ना अब आपको इतनी आदत रह गई है अपने पति को रिझाने की, लेकिन सौतन तो भारी पड़ रही है आप पर, फिर क्या करें। क्या जाकर बहुत ज़्यादा मेकअप करें, या घर के कामों को छोड़कर पति को रिझाने में समय बर्बाद करें? कुछ ना करें मेरी बहनों, बस पीरियड्स के इन 5 दिनों में करें एक छोटा सा प्रयोग, एक छोटा सा वशीकरण, और देखिए सौतन से भी छुटकारा मिल जाएगा आपको 100%। कहते हैं ना, आपको रुलाने वाला आपके चक्कर लगाएगा चारों ओर, जैसे गुड़ में मक्खी चिपक जाती है ना, वैसे आपका पति, आपका प्रेमी आपके प्यार में आपसे चिपक जाएगा। आपकी हर बात अच्छी लगेगी उसे, आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व अच्छा लगेगा, आप जो सलाह देंगे वो उसे अच्छा लगेगा। कोई भड़काएगा आपके प्रति यदि उसे, तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए उसकी पत्नी ही सबसे उसकी अच्छी मित्र हो जाएगी। यह ऐसा वशीकरण है, ऐसा चमत्कार है, कह लीजिए वशीकरण, क्या ये चमत्कार है, क्योंकि ये कार्य करता है सिर्फ एक दिनों में। आपको ना शुक्ल पक्ष देखना है ना कृष्ण पक्ष देखना है, क्योंकि आपके पीरियड्स के जो ये अद्भुत 5 दिन होते हैं,
करना है आपको किसी एक दिन केवल और केवल एक बार। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, किस दिन करें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। कोई भी दिन हो, क्योंकि पीरियड्स आपके हैं तो पता नहीं कौन सा दिन होगा, शुक्रवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप ऊर्जाओं से भरी हैं बस वो दिन हो। पीरियड्स के प्रथम या दूसरे दिन को प्रायोरिटी दीजिएगा। लाल वस्त्र पहनिएगा। यदि संपूर्ण लाल वस्त्र नहीं पहन सकते तो कम से कम एक लाल दुपट्टा ज़रूर अपने शरीर पर रखिएगा। उस दिन शुक्र को बहुत मजबूत बनाना है हमें। श्रृंगार अवश्य कीजिएगा। आपको अपनी, मेरी बहनों ध्यान से सुनिए, आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगी। आपको अपने पीरियड से, मासिक धर्म से सटा हुआ एक कपड़ा चाहिए। अभी आप सैनिटरी पैड यूज़ कर रही हैं, लेकिन आपको एक ऐसा सूती का छोटा सा कपड़ा चाहिए जिसमें आपके पीरियड्स ब्लड ज़रा सा भी लगा हुआ हो। ये बात किसी से शेयर नहीं करनी, किसी को नहीं बतानी है, शांति से करना है ये वशीकरण। आपको इस कपड़े पर अपने पति का नाम किसी भी कलम से, पेंसिल से, चौक से लिख देनी है। एक ऐसा छोटा सा कपड़ा जिसमें आपके पीरियड्स ब्लड ज़रा सा लगी हुई हो, उसमें आपको अपने पति का नाम लिख देना है। कपड़े का रंग काला ना हो, अन्य कोई भी रंग का ले सकते हैं। सिर्फ हमें शनि को नहीं छूना है, शनि को, शनि से कोई मतलब ही नहीं है। इस कपड़े में आपको, जब आपने पति का नाम लिखा, उसे चार फोल्ड कर दीजिए और इसे अपने टॉयलेट रूम में ले जाकर रख दीजिए। तब तक जब को आपको टॉयलेट ना लगा हो, जब तक आपको टॉयलेट फील ना हो। जब आपको टॉयलेट फील हो तब आपको क्या करना है, इस कपड़े को बिल्कुल अपने सामने रख देना है मेरी बहनों, बिल्कुल खुश मिजाज मन से। रोना वोना नहीं है, ना कोई बुरी बात सोचनी है। बस आज ये जान लेना है कि मेरी इस दाम्पत्य जीवन में, मेरी इस प्यार भरे जीवन में जिसकी भी नज़र लगी हो, जो भी ग्रह खराब हो, जिसकी भी शैतानी ताकत हमारी नज़र को ख़राब कर रही हो, आज वो ख़त्म हो जाएगा, आज वो बह जाएगा, आज वो दूर चला जाएगा हमसे। मुझे उसे विसर्जित कर देना है। इस भाव से इस चार तह मोड़े हुए कपड़े को आप टॉयलेट रूम में रख दें, बाथरूम में रख दें, और इस पर आपको टॉयलेट कर देना है। महिला, मन बहुत शांत, सकारात्मक भाव, इस कपड़े पर आपको टॉयलेट कर देना है। फिर आप इसे उठाकर फेंक दें, उसके ऊपर बहुत सारा पानी डाल दें। आपको कुछ नहीं करना, पीरियड्स वाले दिन ही करना है ये। और मन में बहुत शांति रखनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है, कोई मंत्र नहीं बोलना है, किसी ईश्वर को नहीं जपना है। एक दिन में यह टोटका कार्य करता है, भूल कर भी इसे किसी के साथ साझा ना करें और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। तो बहनों ज़रूर करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। आपका प्यार, आपका लव पार्टनर, आपका पति बिल्कुल होगा आपके वश में। बस मेरी बहनों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।